नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दुनिया ने पहला विश्व युद्ध देखा तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बने। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो लीग ऑफ नेशंस की महत्ता खत्म हो जाती है और फिर यूनाइटेड नेशन बनता है। और 21वीं सदी में एक अघोषित युद्ध चल रहा है तो क्या इस मौके पर अब संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता भी खत्म हो चली है? ये एक सवाल है। ये सवाल क्यों है, आइए जरा आज इस सदी के अघोषित युद्ध को टटोलने की कोशिश की जाए। क्योंकि दुनिया भर के तमाम देश जिस तरीके से एक युद्ध की बिसात पे एक तरफ खड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां भी खड़े हैं। कौन है वो लोग और किस रूप में कौन कौन से देश कहां कहां खड़े हैं, सारी परिस्थितियों के मद्देनजर पहली नजर दुनिया क्या वाकई इस अघोषित युद्ध यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के घेरे में आ चुकी है? जी, ये मौत का आंकड़ा है। आतंकी हिंसा में हुई मौतों की तादाद सिर्फ बीते बरस ही 2,78,000 की है और इसकी गिरफ्त में दुनिया का हर देश है। यानी आतंक की परिभाषा में पहली, दूसरी या तीसरी दुनिया का जिक्र नहीं, ना ही विकसित या विकासशील देशों के बीच कोई लकीर। आतंकवाद की अपनी परिभाषा और अपने तरीके से उसकी अपनी बिसात, और आतंक ने समूची दुनिया को अपनी गिरफ्त में जिस तरह से लिया है उसने धर्म या सभ्यताओं के टकराव को भी खारिज कर दिया है। इस सवाल को भी दरकिनार कर दिया है कि धार्मिक कट्टर सोच या किसी धर्म को मानने वालों का राज दुनिया पर हो। क्योंकि हमला इस्तांबुल में हो या ढाका में, इराक में हो या मदीना में, निशाने पर कौन या आतंकी हिंसा में किस धर्म के लोग मारे जाएंगे, ये सवाल आतंक की मौजूदा परिभाषा में बेमानी हो चला है। और मौतों के सिलसिले के साथ आतंक के नए नए तरीके सुरक्षा के उन आधारों को ही चिता रहे हैं जो सुरक्षा पूरी तरह अत्याधुनिक हथियारों के आधार पर ही टिकी है। इलेवन के इस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जितने हथियार झोंक दिए उतने में तीसरी दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों के 10 बरस का बजट समा सकता है। इराक, ईरान, यूक्रेन, सीरिया के बाद आईएस को लेकर जो लड़ाई दुनिया में अपने अपने तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, चीन, जापान और साथ ही तकरीबन 25 से ज्यादा देश हथियारों के जरिए समाधान का रास्ता निकालने में जुटे हैं। उसका सच भी यही कि बीते बरस दुनिया भर में 50 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियारों को फूंक दिया गया और इसी बरस आतंकी हिंसा में मौत 2,78,000 हुई। दरअसल ये आंकड़ा 50 लाख करोड़ रुपए का नहीं, डॉलर का है। स्थिति इस हद तक है कि इन सब के बीच आतंक किसी के लिए बिजनेस है, किसी के लिए विचारधारा का सवाल, किसी के लिए राष्ट्रवाद और किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंसा। और इन परिस्थितियों के बीच कल जो नज़ारा फ्रांस में नजर आया उसने कई सवाल एक साथ खड़े किए। अगर आप बम नहीं फोड़ सकते या गोली नहीं चला सकते तो उन पर अपनी कार चढ़ा दो। ये शब्द इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता मोहम्मद अल अदनानी के हैं। 2 बरस पहले आईएस ने इन्हीं शब्दों के साथ अपना ऑडियो संदेश जारी किया था। तो क्या फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमलावर ने यही रास्ता इस संदेश को सुनकर ही उठाया? यानी एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति के उस अहम दिन जश्न मनाने नीस शहर में लोग जमा हुए,
जब शाही सत्ता खत्म हुई थी, ब्राजील का किला टूटा था, जनता ने राजा के किले पर कब्जा कर लिया था और उसी दिन फ्रांसीसी मूल का ही एक शख्स हथियार और बारूद से लैस ट्रक को लेकर लोगों को रौंदते हुए निकल पड़ा। सड़क पर बिखरे शवों को देखते ही हर फ्रांसीसी के जहन में 6 महीने पहले की वह खौफनाक यादें भी घुमड़ने लगी। जी, ये पेरिस की सड़क पर भागते हुए लोग हैं। 6 महीने पहले पेरिस में 8 बंदूकधारियों ने जानते समझते हुए थिएटर में घुसकर सैकड़ों लोगों को भून डाला था कि इसमें अधिकतर फ्रांसीसी ही होंगे। कुछ पर्यटक जरूर थे, लेकिन मारे गए 90% फ्रांसीसी नागरिक ही थे। और कल शाम भी नीस शहर में फ्रांसीसी अपनी क्रांति के जश्न में डूबे थे। तो क्या आतंकवाद का ये चेहरा राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा है? क्योंकि पश्चिमी यूरोप में फ्रांस ही वो देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है, साथ ही ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों की भी तादाद सबसे ज्यादा फ्रांस में ही है, 1 लाख से ज्यादा। और समूचे यूरोप में IS का रास्ता पकड़ने वाले भी फ्रांस से ही सबसे ज्यादा लोग गए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ फ्रांस का नहीं बल्कि आतंक की उस धारा का है जो आतंक के लिए पूंजी की व्यवस्था भी बाखूबी करना जानती है, और दुनिया के आपसी टकराव के बीच कौन सा अंतर्द्वंद किस देश को कैसे हथियार देने की दिशा में ले जाए और हथियार उससे कैसे लिए जाए, इसे भी समझती है। इसीलिए IS का पहला हमला लोगों पर नहीं बल्कि इराक के तेल कारखानों पर कब्जा के लिए होता है। आतंक को पश्चिमी अर्थव्यवस्था से फैलती असमानता से जोड़ा जाता है। दुनिया भर की राजनीतिक सत्ता की चुनौती देने के लिए युवाओं से राजनीतिक संवाद किया जाता है। टेक्नोलॉजी और राजनीतिक इकोनॉमी की समझ रखने वाले पढ़े लिखे युवाओं के साथ लेने का प्रयास होता है। यानी नया सवाल ये नहीं कि आतंकवादी अपराधी है या मानसिक तौर पर असंतुलित, मुश्किल तो यह है कि आतंकवादी की निजी समझ, सांगठनिक समझ और सामाजिक आर्थिक तौर पर दुनिया की सभ्यताओं को लेकर उसकी समझ उसे बेहद संतुलित बता रही है। और यह सोच समझ कर अगर कोई इस तरीके से ट्रक से मास किलिंग करे तो फिर मुश्किल शायद कहीं बड़ी है, क्योंकि वो ना तो अपराधी है और ना ही मानसिक तौर पर असंतुलित, बल्कि वह आतंकवादी है। इस अघोषित युद्ध में किसकी क्या भूमिका होगी, ये समझने के लिए यह भी समझना होगा कि वो हथियार आते कहां से हैं, दुनिया के कौन कौन से देश हथियार बनाते हैं और दुनिया के बाजार में बेच देते हैं, चाहे वह किसी की रक्षा के लिए हो या फिर रक्षा ना कोई कर पाए इसके लिए हो। आइए जरा टटोल के देखिए, 72% हथियार दरअसल संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है वही बनाते और भेजते हैं। जी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश, और दुनिया में जितने भी हथियार हैं उसका 72% हिस्सा इन्हीं के पास है। और दुनिया में जितने भी हथियार बेचे खरीदे जाते हैं उसमें 72% यही देश है। तो सवाल ये नहीं कि 5 हथियार निर्यातक देशों में एक नंबर जर्मनी का भी है, लेकिन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देशों का जिक्र इसलिए क्योंकि इनके पास तो है वीटो पावर, और सुरक्षा परिषद में इन्हीं देशों के कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि दुनिया में शांति बनी रहे, युद्ध ना हो। लेकिन युद्ध ना हो तो फिर हथियार बिकेंगे कैसे, और शायद हथियारों के आश्रय मुनाफा कमाने का खेल खेलते हुए विश्व में शांति को ही दांव पर इस दौर में लगाया गया है। तो दोष आप किसे देंगे, क्योंकि मौजूदा सच तो यही कि हथियार बेचने वाला हर देश हर कीमत पर हथियार बेच लेना चाहता है। फिर वो हथियार कैसे, क्यों और कब इस्तेमाल होंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है कि सीरिया में 5.5 महीने तक चली रूस की वायु सैनिक कार्रवाई में रूस को 33 अरब रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन रूस खुश है कि अब इससे कहीं ज्यादा कीमत के ऑर्डर मिलने की संभावना उसे दिखाई दे रही है। और ब्रिटेन को $5 बिलियन के हथियार सऊदी अरब को बेचने का ऑर्डर मिला तो उसने अपने ही देश में तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए हथियार खुलकर बेचे। तो एक तरफ सुरक्षा परिषद के 8 सदस्य हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ यही देश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया में आतंकवाद क्यों फैल रहा है। और तो और सऊदी अरब जैसे देश सबसे ज्यादा हथियार आयात कर खुद की हैसियत भी बढ़ा रहे हैं और वहाँ तेल के खेल में अपनी जगह भी बना रहे हैं।
लेकिन सवाल आयातकों का नहीं, हथियार बेचने वालों का है, क्योंकि हथियार बेचने वाले हर हाल में बाजार चाहते हैं। सिर्फ हथियार का बाजार नहीं बल्कि युद्ध का बाजार। इसीलिए याद कीजिए, ओसामा बिन लादेन से अमेरिकी संबंधों का जिक्र अक्सर हुआ करता है, और अब आईएसआईएस के संबंध भी कई देशों से हैं। इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। तेल के बदले तुर्की जैसे देश पर आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का सीधा आरोप तक लग चुका है, और आज विश्व की 10 बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में 7 अमेरिका की ही है। और इन कंपनियों का रसूख कितना, ये इस बात से समझा जा सकता है कि बोइंग की कुल जायदाद 100 अरब डॉलर से ज्यादा है, और इसी तरह यूनाइटेड टेक्नोलॉजी की संपत्ति 62 अरब डॉलर से ज्यादा है। यानी कंपनियों को बाजार चाहिए, और बाजार तभी बनेगा जब युद्ध का माहौल हो। और युद्ध का मतलब अगर आतंकवाद है, तो फिर हथियारों को यह समझ नहीं आता कि कहां पर युद्ध हो रहा है और कहां पर आतंकवाद का विस्तार हो रहा है। और शायद इसीलिए जो दुनिया आतंकवाद पर आंसू बहा रही है, वही दुनिया आतंक को फैलाने में मदद भी कर रही है। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर बार बार इस बात का जिक्र 21वीं सदी में हमेशा होगा कि दरअसल यह तो पूंजीवाद है, यह तो बाजार या खुली अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। लेकिन आतंकवाद पहले हल्के से दस्तक देता है, और उसके बाद उसे अपनी आगोश में कैसे ले लेता है, इसकी एक पहचान पाकिस्तान है। मसला यह नहीं कि वो कश्मीर मुद्दे को लेकर किस रूप में क्या बोल रहा है, समझना यह होगा कि पाकिस्तान की सिर्फ स्टेट पॉलिसी आतंकवाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर जिस तरीके से तमाम संस्थान काम करते हैं, सरकार काम करती है, चुनी हुई सत्ता काम करती है, सेना काम करती है, ISI काम करती है, जरा सबको मिला के देखिए पाकिस्तान है क्या चीज। नाम पढ़ते चले जाइए, क्योंकि ये पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की फेरिस्त है। यानी ऐसे संगठन जिनके हाथों में हथियार, धार्मिक कट्टरता का जिक्र और हिंसा का आसरा। 3 दर्जन से ज्यादा इन संगठनों में 6 संगठन ऐसे जो फिदाइन हमलों को जिहाद से जोड़कर जायज मानते हैं, और इनमें बच्चे भी शामिल हैं। और इन तमाम संगठनों की जमीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर वजीरिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। और खास बात यह कि पाकिस्तान में जो 11 आतंकवादी संगठन जिहादी काउंसिल की छतरी तले कश्मीर में लगातार हिंसा फैला रहे हैं, उनके दफ्तरों को पाकिस्तान के शहरों में खोलने की इजाजत भी है। यानी कश्मीर में सक्रिय लश्कर हो या हिजबुल, या जैश हो या फिर कश्मीर जिहाद फोर्स, इनके दफ्तर कराची से लाहौर, मुल्तान से भावलपुर और पेशावर ही नहीं बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी हैं। और आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया होते रहे, इसके लिए बाकायदा 5 ट्रस्ट काम भी करते हैं। जमातुल दावा ट्रस्ट, अल रशीद ट्रस्ट, अल अख्तर ट्रस्ट, राबिता ट्रस्ट, उम्मा तामीर ए नौ ट्रस्ट, और इन सभी ट्रस्ट को टैक्स में छूट है। साथ ही आतंक को सामाजिक संघर्ष के नाम पर आम जनता से फंड लेने की भी खुली छूट है। और ये सभी ट्रस्ट राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग भी करते हैं, साथ ही इनकी पहुंच सेना के बीच भी है। ISI के खुफिया अधिकारियों तक भी इनकी पहुंच है। यानी सवाल ये नहीं कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, बल्कि सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था ही जिन आधारों पर टिकी है, उसमें आतंकवादी संगठनों की पहुंच पकड़ है कितनी, और आतंकवादी हिंसा इनकी जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान के 3 हिस्से बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और POK ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पाकिस्तान की सत्ता को किस रास्ते जाना है यह भी तय हो जाता है, या फिर सत्ता को अगर डिगाना है तो बलूचिस्तान, वजीरिस्तान या POK का ही सहारा कभी सेना लेती है, कभी ISI लेती है। इसीलिए पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों पर जिसकी पकड़ होती है वो सबसे ताकतवर होता है। इसीलिए सेना, ISI और चुनी हुई सरकार के समानांतर आतंकवादी संगठनों की भी अपनी सत्ता हो जाती है। लेकिन समझना यह भी होगा कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर ही एक ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान के बिखरे वजूद को एकजुट कर देता है। और पहली बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अगर खुलकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है, तो उसके भीतर का सच यह भी कि कश्मीर का जिक्र जो नहीं करेगा, मौजूदा वक्त में उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, यानी वो मारा जाएगा। तो समझना भारत को है, पाकिस्तान को लेकर उसका रुख हो क्या, क्योंकि सवाल सिर्फ अब आतंकवादी संगठनों का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है, जो पहली बार अपने वजूद के लिए भारत से टकरा रहा है और भारत की संप्रभुता को चुनौती भी दे रहा है। जाहिर है ये हालात युद्ध की दिशा में भी जा सकते हैं, और इसका जिक्र भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो सकता है कि आखिर पाकिस्तान भी तो
परमाणु हथियारों से लैस देश है और परमाणु हथियार कहीं आतंकवादी संगठनों के पास ना आ जाएं तो फिर समझना होगा। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता ही जब आतंकवादी संगठनों के साथ खड़ी है तो फिर ये रास्ता जाता किधर है। परमाणु हथियार सत्ता के पास रहे, चुनी हुई सत्ता के पास रहे, सेना के पास रहे, आतंकवादी संगठनों के पास रहे, इस दिशा में भटकेंगे तो भटकते चले जाएंगे। हालात पाकिस्तान के भीतर एक सरीखे हैं और ये वाकई वहाँ पर ताकत उसी के पास है जो मौजूदा वक्त में कश्मीर को लेकर हंगामा खड़ा कर सकता है। यही हो रहा है, समझना भारत को ही है। लेकिन दुनिया भर में एक बहस आतंकवाद के मद्देनज़र ब्लैक मनी काले धन को लेकर भी होती है। दुनिया का जिक्र ना करें, हिंदुस्तान के भीतर झांक कर देखें कि काले धन को लेकर सरकार का रुख है क्या। ये एक आखिरी मौका है लोगों के पास कि इसका डिक्लेरेशन किया जाए और उसके बाद वो चैन की नींद सो सकते हैं। काले धन पर यह गंभीरता महीने भर पहले ही वित्त मंत्री ने दिखाई थी, लेकिन काले धन पर यह कड़ा मिजाज महीने भर के भीतर ही कुछ इस तरीके से हवा हवाई हो जाएगा कि काले धन की डेडलाइन जो इस बरस की 30 सितंबर तक थी वो साल भर और बढ़ा दी गई। यानी अब काले धन वालों को राहत अगले बरस की 30 सितंबर तक है। सिर्फ मियाद ही नहीं बढ़ी बल्कि जुर्माना देने में भी राहत दे दी गई है। तो सवाल है कि क्या काला धन रखने वालों को यह सरकार का तोहफा है या फिर सरकार को लगता है कि विदेश में जमा काले धन वापसी स्कीम तो फेल हो गई, तो ऐसे में देश में जमा काले धन स्कीम फेल ना हो इसलिए मियाद बढ़ा दी गई, या फिर सरकार काला धन के खेल को तारीखों में अब उलझाना चाहती है जिससे जनता को लगते रहे कि सरकार गंभीर है लेकिन सरकार को नतीजा दिखाना ना पड़े। क्योंकि गौर कीजिए, अगर 30 सितंबर 2017 तक स्कीम जारी रहेगी तो कार्रवाई उससे पहले तो होगी नहीं, और फिर 2019 के चुनाव से पहले का सिर्फ एक साल ही बाकी बचेगा जिसमें चुनावी सरगर्मियां कहीं ज्यादा होंगी और काम कम तो जो भी हो। लेकिन सरकार काले धन पर क्या कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी की पांचवी रिपोर्ट और सरकार की सिफारिशों से भी समझा जा सकता है। क्योंकि मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने कल अपनी पांचवी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट में सिफारिशें तो 6 की गई लेकिन 2 अहम है। मसलन 3 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन के नकदी में निपटान पर पाबंदी हो और दूसरी नकदी रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी कि सरकार ने इस पर भी फैसला नहीं लिया बल्कि एसआईटी ने सिफारिशें जो की, सरकार ने जनता से सुझाव मांगने की कवायद इसके समानांतर शुरू कर दी। यानी गेंद फिलहाल लोगों के पाले में। और ऐसा भी नहीं कि एसआईटी ने काले धन पर अंकुश के लिए पहली सिफारिश की हो, इससे पहले भी एसआईटी ने कई सिफारिशें की लेकिन फिलहाल सारी सिफारिशें ही हैं, यानी नतीजा अभी तक सिफर। मसला ब्लैक मनी अपनी तरफ, लेकिन इस देश में धोखाधड़ी किस रूप में, ऑनलाइन में, देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए स्थिति क्या है। वेना साबुन की स्टिकिया की कीमत है 12,000 रुपए। चौकी मत, दिल्ली के अख्तर को अंटी से 12,000 रुपए निकलने के बाद यही साबुन मिला है, जबकि उन्हें मिलना था ये मोबाइल फोन। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अख्तर ने मोबाइल फोन ऑर्डर किया था और 12,000 रुपए का पेमेंट भी कर दिया, लेकिन फोन के डिब्बे से साबुन की बट्टी निकली तो अख्तर के होश उड़ गए। सर ये पैकिंग क्या हुआ था, जैसे ही मैंने इनके सामने खोला तो सर इसमें मेरे को फेना की जो है टिकिया निकली सर। मैंने सर को DRS दे दी थी, मां सर साइन कर दीजिए, तो सर के साथ में एक और थे, उन्होंने पैकेट खोला, सर DRS पे जब तक साइन कर रहे थे तो जब तक डब्बा देखा डब्बे में मोबाइल ही नहीं था। जो मोबाइल है उसकी जगह यहाँ पर आप सीधे सीधे फेना साबुन देख सकते हैं और इस तरह की लगातार शिकायतें आती रहती हैं अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है इससे, लेकिन इस पर जो पुलिस है उसको भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और आलम यह है कि 2015 में 5,50,00,000 लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की, जिसके इस साल बढ़कर 8 करोड़ होने की उम्मीद है। बढ़ते कारोबार के बीच धोखाधड़ी होगी तब आप क्या करेंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो मंगाया था मोबाइल, निकल गया साबुन, यह भी स्थिति देश के भीतर। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर घाटी में। मसला ये नहीं कि आज जुमे की नमाज थी, कर्फ्यू था, मसला उन बच्चों का भी है जिनकी आंखों की रोशनी ना चला जाए, यह भी एक मुश्किल है। कभी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले इंशा अब जिंदगी में दोबारा कभी देख भी पाएगी या नहीं, किसी को नहीं पता। घाटी में शनिवार शाम सुरक्षा बल उपद्रवी भीड़ को काबू में करने के लिए जिस पैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो इंशा की आंख में भी जा लगे जबकि वो अपने कमरे में थी।
जब खिड़की के अंदर जब बच्ची पढ़ती थी अंदर, ये दो लड़की थी, एक चूल्हे जिस चूल्हे के हेड बैठा हुआ था, एक लड़की पढ़ती थी यहाँ, उसके सिर में वो छला आ गया। जहाँ तक हमें सुनने में आया है कि तकरीबन उसकी आंखों की बिनाई चली गई है, क्योंकि सेवन्थ क्लास की स्टूडेंट है, तो एक मासूम लड़की गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, उसका बाप भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई मुलाजिम शख्स नहीं है। 14 साल के इंशा के सपने फिलहाल चकनाचूर हैं, लेकिन पैलेट्स की शिकार सिर्फ इंशा नहीं है। रविवार रात 5 साल की जोहरा के माथे पर भी पैलेट्स से चोटें आईं। 9 साल की तमन्ना की आंखें भी घायल हैं।